दिगांचल बाबू मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं अपने... जा रही तो कुछ तो सोच के जा रही होंगी ना, कुछ तो प्लान किया होगा ना, ऐसे थोड़ी ना मैं रिस्क में खुद को डाल के तुमको डाल के जाऊंगी। तो जा फिर वापस आने की जरूरत नहीं, फिर जा वापस तो फिर क्या मैं बोल रहा हूँ की अभी मैं नहीं चाहता की और प्रॉब्लम बढ़े यार। चल क्या समझती नहीं है तू यार। तो दोस्तों रुकिए, तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, तो आपको क्रिकेट या फिर किसी भी स्पोर्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक वेबसाइट सजेशन करना चाहूँगा जिसे आप प्रिडिक्शन करके बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्त वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार चेक जरूर करना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो यार सीरियस टॉपिक पे है गाइस। प्रॉब्लम एक हो चुकी है, प्रॉब्लम ये है कि इनके घर पे पता नहीं कोई फैमिली मेम्बर बीमार है, तो पता नहीं किस फ़ोन आया था रीतिका वगैरह कि भाई घर में थोड़ा सीरियस टाइप है, तो तब से लेके बोल रही है कि मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। गाइस मैं आपको एक अभी देखो, अभी सो रही है, अभी इसको भी उठाएंगे, अभी क्यों सो रही है मैं अभी ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों बात ये है कि उसको मैंने मना बोला कि मैं भी समझता हूँ यार, जब घर में कोई पापा मम्मी कोई भी मतलब फैमिली मेम्बर बीमार हो तो हमें भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन सिचुएशन हमारी ऐसा हो गई है ना कि मैं नहीं भेज सकता उसको, और ये बोल रही है कि मैं जाऊँगी। तो हमारी काफ़ी लड़ाई हुई अभी। हाँ तो गाइज मैंने उसको मना बोला कि मत जा, और अभी सिचुएशन ऐसी है, अगर एक बार वहाँ पे चली गई तो मुझे नहीं लग रहा कि तेरा इसका भाई जो है वो यहाँ पे आने के लिए देगा। तो इसी बात से थोड़ी सी वो हो गई है। और हाँ दोपहर का खाना भी इन्हें खाया, अभी करीबन तीन बचे हैं, 3 बजे ठीक है, और मैं जब से बोल रहा हूँ तो जो खाना भी नहीं खा रही कि मुझे जाना है सर ठीक है। मैं भी इसकी फीलिंग समझ सकता हूँ यार, आप भी अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर बीमार हो तो बिल्कुल इस बात को समझ सकते हैं। तो गाइज क्या करूँ यार, क्या करूँ, आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे हमें भी आइडिया हो और हमारा भी दिमाग खुले कि हमें आगे क्या करना चाहिए ठीक है। तो ए अरे आंचल ओए उठ, तो आंचल उठ ना, फिर ऐसे उठे काम है, अरे उठेगी दिमाग खराब, हाँ चक्कर कोई बात, चक्कर उठ ना फिर, चक्कर क्यों आ रही, उठ कोई बात नहीं, पहले देख वहां पे कैमरा लगाया मैंने, ओए बाद में लगा लेना, कोई बात नहीं, अभी पहले वीडियो बना लेते, उठा उठा पीछे पड़ गए, पता है कैमरा लगा तभी जान मुझे चला गया ना, हाँ पहले उठ अभी जा, 2 मिनट तो रुक जाओ, उठने में टाइम लगता है यार, इंसान हूँ मैं, जानवर थोड़ी ना हो जाएगा, आवाज में उठ जाऊंगी मैं, उठ रही हूँ, टाइम लगता है उठने में, एकदम कौन उठता है यार, कितना कब से लेके उठा रहा हूँ, मतलब क्या तू, मैं अभी तो उठाना शुरू किया है, ऊपर से चिल्ला रहे हो कैमरा लगा के मेरे ऊपर, पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को, लोगों को दिखाते हो कि जैसे पता नहीं आप क्या हो, अभी उठ जा, अभी बहुत टाइम हो गया ना, चल यार उठ, ओके उठ अभी, बड़ा बैठ यहाँ पे, यहाँ पे बैठ, तो सर में दर्द हो तो मैं क्या कर सकता हूँ ये बता दे, कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तू बिना काम का सर दर्द ले रही है, मेरी वजह से हुआ क्या सर दर्द जो मेरे को बोल रही है, तो तुम तो बात हो सकते हो ना सर, कम से कम अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मतलब है, दवाई भी दे सकते हो, तो दवाई तो तुम्हें मेरी पड़ी होगी तभी तो, मैं सर में दर्द होता ना तो मैं भी दो, अरे सर दर्द तू मारे, अगर सर दर्द होता मैं 2 मिनट नहीं लगाती और दवाई दे रही थी, ऊपर से सर भी दबाती, ठीक है पैरों में दर्द था पैर भी दबाए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं दबाए दे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तेरी हरकतें ऐसी है, तू मना बोलते बोलते बोल रही है कि मैं जा रही हूँ, तेरी खुद की वजह से ये सर दर्द हो रहा ना कि मेरी वजह, अगर मैं ऐसे कुछ उल्टा सीधा करूंगी तो क्या मैं मरने वाली हूँ, तो मरने दोगे क्या, बचाओगे नहीं मुझे, मतलब कौन बोला नहीं बचाएंगे, उसमें ये बोलोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे बचाऊँ तुझे, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ये बोल रहा हूँ कि अभी मत जा, शांति, सर दर्द हो रहा है, तुम बोलो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो अभी वो तो तेरी वजह से हो रहा है ना यार, तू बिना काम का ज्यादा वो कर रही है, मना बोल दे कि मत जा, तो अभी क्या जरूरी है जाने के लिए, बता मुझे, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हुआ था, हाँ तुम गए थे ना, हाँ तो मिलने गए थे, हाँ रोए थे ना यहाँ पे, बिल्कुल मेरे सामने रोए थे ना, हाँ तो मतलब मैं, तू क्या चाहती है मैं भेजू तुझे, तब तो
तुम्हें अपने माँ बाप से इतना प्यार है, जबकि तुम तो इतने टाइम से उनसे दूर हो, एक दो साल हो चुके हैं तुम अपने घर से दूर हो, तुम्हें फिर भी अपने माँ बाप की इतनी चिंता है, इतना प्यार करते हो, और उनके लिए यहाँ पे जब वो बीमार थे वहाँ पे तुम यहाँ पे बैठ के रोए हो। तो मैं तो फिर भी एक लड़की, और मैं तो अभी कुछ दिन हुआ है ना, मेरे को तो आदत नहीं ना उनसे। तो तू अभी तू क्या चाहती यार, तू बोले वैसा करेंगे, चाहती क्या है? मिलना चाहती हूँ मैं, मिल के आ जाऊँ। मिले यार, और तेरे भाई ने नहीं आने दिया तो? तू नहीं आने देगा तो यार क्या, तो आने देगा? दिमाग खराब हो गया क्या? चल यार थोड़ा बहुत तो समझ ले यार, क्यों नहीं आने देगा? तुम आप चिल्ला रहे हैं, मेरे सर में ऑलरेडी इतना दर्द हो रहा है। तो मैं चिल्ला, तू समझ ले यार। तो चिल्लाने वाली बात ही तो ऐसी करी है ना तू, मना बोल रहा है कि मत जाना बाबू, मत जा बोल रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? अभी गुस्सा हो गया कि अभी वो खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? मेरा मन नहीं, क्यों मन नहीं क्या, क्या मतलब है? मेरे फैमिली मेंबर बीमार, और मैं खाना खाऊं यहां बैठ? तो फैमिली क्या बोले, एक बार और बोल। फैमिली मेंबर कोई बीमार होगा, मैं खाना खाऊंगी यहाँ बैठ के खुशी खुशी? तुम्हें लगता है सीरियसली? अरे यार मुझे पता है, लेकिन सिचुएशन तो देख क्या करना थोड़ी सी अपनी सिचुएशन कि क्या चल रही है अभी। कभी माँ बाप ने तो सिचुएशन नहीं देखी होगी ना यार, तो अगर उनका कोई बच्चा बीमार होगा तो क्या माँ बाप भी कभी ऐसा हुआ होगा कि वो भी सिचुएशन देखते? नहीं, वो सबसे पहले प्यार देखते। हाँ ठीक है, अभी अभी क्या चाहती है मेरे को बता दे। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो मिलना चाहती हूँ, मिलने के बाद तो लोचा होगा यार, अभी बहुत मुश्किल से अपन यहाँ पे आए, तो अभी क्यों ऐसा करिए फिर? क्या लोचा हो? तो फिर तेरा भाई क्या था, कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है तुम? यार बाबू मुझे पता तो गए थे ना अरविंद से मिलने मेरे घर के उधर ही। हाँ तो तुमने नहीं सोचा एक बार भी कि लोचा हो जाएगा? मेरे बारे में लोचा दिख रहा है तुमको? देख मैं अभी अभी मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मत जा, बस बात खला, 100 बात की एक बात। क्यों? अरे यार मना बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या, सुबह से दिमाग खराब कर रही है। चिल्ला तो चिल्लाने तो बात ही ऐसी करिए यार, तू मतलब अभी वापस जाएगी, वापस जाने के बाद में कोई वापस भेजा गया यहाँ पे? तो उन्होंने रोक लिया था मुझे। किसको? उन्होंने, अपने दम पे आई हूँ ना मैं। हाँ तो वापस तेरे दम पे आ जाएगी। तो मैं अपने दम पे आऊंगी ना, पहले भी मैं कितनी बार आई हूँ, अपने दम पे ही आई हूँ मैं। उन्होंने मेरे को कितना रोकने की कोशिश की, वो मेरे ऊपर है कि मुझे रुकना या नहीं रुकना। मैं नहीं चाहता, हाथ पैर नहीं बांध सकता, कोई हाथ पैर काट नहीं सकता मेरे। मैं नहीं चाहता ना फिर की, मैं पहले भी अपने दम पे आई थी, अब भी अपने दम पे आ सकती हूँ मैं। डरती नहीं हूँ मैं किसी से, डरती होती तुम्हारे साथ में ना बैठती मैं। देख आंचल बाबू, मैं ये नहीं चाहता कि मैं जा रही हूँ, कुछ तो सोच के जा रही होगी ना, कुछ तो प्लान किया होगा ना, ऐसे थोड़ी ना मैं रिस्क में खुद को डाल के तुमको डाल के जाऊंगी। तो जा फिर, वापस आने की जरूरत नहीं, फिर जा वापस। तो फिर क्या, मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं नहीं चाहता कि और प्रॉब्लम बढ़े यार, चल क्या समझती नहीं है तू यार? मैं कोई मम्मी पापा की याद आ रही है ना, मैं क्या करूँ? तो देख मेरे, मुझे भी पता है ना यार, मम्मी पापा की याद आती है, तू गलत नहीं है, लेकिन पता है ना कि तुम्हें तो 2 साल हो गया, तुम्हें तो तब भी आती है, आज कोई बीमार हो तुम्हें तो तब भी चिंता होती है, तुम रोते भी हो, लेकिन मेरे को तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ ना यार, मैं कैसे उनको भूल जाऊँ? पर ठीक है बाबू, मैं इस बात को समझता हूँ ना यार, लेकिन तू समझ कि अपन एक ऐसी जगह पे, मेरी फैमिली मेंबर बीमार हो, यहाँ पे मैं खाना खाऊँ खुश रहूँ, कैसे नहीं होता यार? हम कितना भी सोच रहे लेकिन दिल नहीं मानता ना। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी तो अभी ऐसी सिचुएशन बन गई ना बाबू, सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडा दिमाग कर, हो जाएगा अभी, ठीक है? और हमें अभी जिद मत कर जाने के लिए, ठीक है? और अभी खाना खा ले, ठीक है? ओए मेंटल, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। क्या? नहीं जाऊंगी बस। फिर? नहीं जाऊंगी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि मत जाकर ना अभी, अभी देख मेरी बात सुन, तेरे को पता है क्या चल रहा है, तो यार ऐसा नहीं होता कि अगर तू जाने के बाद में, मुझे नहीं पता कि वो आगे क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू आ भी जाएगी अकेली, ठीक है? तेरा भाई कैसा तुझे पता है ना, वो समझने की कोशिश करना यार। मैं चिल्ला रहा हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं चिल्ला रहा कि नॉर्मली चिल्ला रहा हूँ, मुझे भी दिक्कत होती है। तो फिर गुस्सा तो तू दिला रही है ना यार, तू ही तो दिला रही है गुस्सा, ठीक है? नहीं जाएगी ना पक्का, ठीक है ना? मैं मानी ना अभी बात, ठीक है? अभी क्या ये मतलब गर्म क्यों है सर तेरा, फीवर हो रहा है क्या? लग रहा है फीवर हो रहा है तुझे? मानी ना बात, अभी नहीं करेगी जाने की चीज़? खाना खाएगी ना? भूख तो नहीं है अभी। तो नहीं खाए तो तू बोले वो मंगवा देंगे, बस तू बोले वो बाबू मंगवा देंगे, बोल क्या खाएगी बता दे मुझे। फिलहाल भूख नहीं है। तो फिर कुछ तो बोलेगी ना कि मेरे को ये खाना, कुछ तो बोलेगी? थोड़ी देर बाद खाएंगे। अभी अभी खा ले। क्यों? थोड़ी देर में खाएंगे ना। क्या? कुछ भी बात में। तू तो क्या मंगवा, चल थोड़ी देर, आधे घंटे देख मेरे पास, दवाई ले और ठीक हो जा, ठीक है? ठीक हो तू? मैं हाँ। तो फिर अभी बुखार है ना तेरे पे यार, अभी वापस भी गुस्सा दिला रही है तू? चिल्ला रहे हो यार तुम बीमार होगे तो मैं भी ऐसे चिल्लाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कितना बुरा लगता है।
कोई बात नहीं, चिल्ला लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो बंदे का तबीयत खराब हो रहा और आप चिल्लाओ। कोई बात नहीं, अभी मैं क्या मंगवाऊ बता। बंदा बीमार हो ना तो उसको और भी ज्यादा प्यार। क्या मंगवाऊ ये बता, क्या मंगवाऊ बता। भर गया आपकी डांट से मेरा। क्या मंगवाऊ ये बता दे। पेट भर गया आपकी डांट से। दवाई लेनी है यार, कुछ भी मंगवा लियो। क्या तू बोल रही, क्या खाएगी बता बता। कुछ भी का मतलब है आचार मंगवा दूं। हाँ, तो फिर बता ना यार क्या मंगवाओ बता दे। पिज्जा मंगवा दे तो। हाँ। पक्का खाएगी। चल फिर आ जा दवाई ले। पिज्जा छोड़ सकते हो? हाँ, खाने के लिए तो भूखा है, मुझे पता है। तो पिज्जा छोड़ सकते हो? नहीं ना। नहीं नहीं, तू नहीं। ठीक है, अभी शांत है, अभी थोड़ा दिमाग कम होगा ना। दू ना, क्यों हो रहा है, दर्द हो रहा है? सर दर्द हो रहा है। चल कोई नहीं, अभी दवाई ले लेते। हाँ, चला जाओ वहाँ पे, आ जाओ दवाई, आ जाओ, तो कुछ खा ले, आ जाओ, मंगवा तो लो पहले। हाँ चल ठीक है, कोई नहीं, फिर अभी मैं मंगवा देता हूँ कुछ भी। तो गाइस देखो यार, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था अभी भी यार, मतलब जीत करके बैठी थी कि मुझे। मान गई ना? हाँ ठीक है, अभी क्या है यार, मान तो गई ना। हाँ ठीक है, तो गाइस अभी मान गई, अभी बोल रही है कि नहीं जानी, और सुबह से लेके मेरा दिमाग खा ले रहे, कब से लेके मैं दिमाग का मेरा क्या बताऊँ, छोड़ो। भटूरा बन गया तो हाँ, भटूरा जो भी बना। लेकिन हाँ गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बता देना यार, ताकि